हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको मियां नसीरुद्दीन पाठ के मुख्य बिंदु बताने के साथ साथ उन मुख्य बिंदुओं की व्याख्या भी बता रही हूँ। आप वीडियो अंत तक देखिए, आपके एग्जाम्स में यह बातें बहुत काम आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली मुख्य बात यह है कि मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा सोबती का एक संग्रह है, गद्य संग्रह है, जिसका नाम है हम हाशमत। हम हाशमत में मियां नसीरुद्दीन एक रेखा चित्र के रूप में लिखा गया था। इसमें लेखिका जो है पुरानी पीढ़ी के एक बूढ़े नानबाई के पास जाती हैं और उसके स्वभाव की सारी विशेषताओं का उल्लेख करती हैं। लेखिका जो है बड़ी रोचकता से उसका चरित्र चित्रण करती हैं। सबसे मुख्य बात इस पाठ की यह है कि वह गढ़िया मोहल्ले में नसीरुद्दीन से लेखिका की भेंट हो जाती है। वहाँ पर मियां नसीरुद्दीन जो हैं उनका खानदानी पेशा है और उनको अपने इस पेशे का अभिमान है। उनका खानदानी पेशा है नानबाई, यानी रोटियां बनाने का काम। उनका तीसरा जो इसमें कहानी का मुख्य बात यह है कि वह अपने हुनर को एक साधना मानते हैं, जो उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से सीखा है। उनमें खानदानी बड़प्पन की भावना भी पाई गई है। किसमें? मियां नसीरुद्दीन में। आज शौक और कद्र की कमी के लिए मियां का सच्चा दर्द, यानी कि अभी जो वक्त चल रहा है उसमें कद्रदानों की कमी के बारे में लेखक खिज बताता है, अपनी चिंता बताता है कि किस प्रकार से कमी है कद्रदानों की, और लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्म को जानने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मियां जी ने कुछ तुनक कर उन रोटियों के बारे में उनके नाम फटाफट से गिना दिए और कहा कि पापड़ से भी महीन रोटियां होती हैं तुन की रोटी। लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब जाते हैं और सभी बातें बताने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें पत्रकारों से और लेखिका से चिढ़ होती है, इसलिए वह लेखिका के अधिक सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते हैं और इस प्रकार से लेखिका की हिम्मत नहीं होती है कि वह उनसे उनके बच्चों के या परिवार के बारे में पूछे, क्योंकि वह अखबार पढ़ने वालों को निठल्ला मानते थे। पाठ में हम आपको यह बताएंगे कि रोटी बनाने वाले और बेचने वाले को नानबाई कहा जाता है और मियां नसीरुद्दीन के पिता और दादा भी प्रसिद्ध नानबाई थे। रोटी बनाने का उनका खानदानी काम जो है कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, इसलिए उन्हें खानदानी नानबाई कहा गया है। हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के, यह आया है इस पाठ में एक वाक्य। इससे आशय यह है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में हजारों हजार प्रतिभाशाली लोग रोज अपनी चकाचौंध दिखा करके चहल पहल मचाते हैं। यानी कि वहाँ पर दिल्ली में जो है बहुत सारे लोग, रोज हजारों लोग आते हैं, हजारों मसीहों के धूम धड़के इसे कहा है। नसीरुद्दीन को मसीहा क्यों कहा है? क्योंकि वह रोटियां पकाने की कला में कुशल था और उसका बातचीत का ढंग भी कैसा था? कुशल कारीगरों जैसा था। उसकी दुकान जो थी वो बहुत ही साधारण सी और छोटी सी अंधेरी सी थी। हालांकि वह प्रसिद्ध नानबाई था। उसकी दुकान जामा मस्जिद क्षेत्र में मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले में थी। लेखिका कहती हैं कि मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। पंच हजारी अंदाज क्या है? पंच हजारी अंदाज है बड़े सेनापतियों के जैसा अंदाज। मुगलों के ज़माने में 5000 की सेना के अधिकारी को पंच हजारी कहते थे। उसका जो मुखिया होता था, उस सेना का नायक जो होता था, उसे पंच हजारी कहते थे। और चूंकि उसके नीचे 5000 लोग होते थे तो उसकी चाल ढाल और बोलचाल में अकड़ होती थी और साथ ही उसमें आत्मविश्वास भी होता था। उसी प्रकार का गर्व भी यहाँ मियां नसीरुद्दीन में देखने के लिए नज़र आएगा। मियां नसीरुद्दीन अखबार छापने वालों और अखबार पढ़ने वालों को निठल्ला कहते हैं। उनकी नज़रों में दोनों ही कार्य जो व्यर्थ के लोग हैं उनका काम है।
इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलता बल्कि समाज में व्यर्थ की उथल पुथल मचती है। नसीरुद्दीन के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर नज़र आएगी, उनका आत्मविश्वास। कि वो हर बात को लापरवाही पूर्ण अंदाज से लेते हुए और यह कहते हैं कि वह स्वयं जो है एक मंझे हुए कलाकार हैं, इसीलिए खास अंदाज में वह बात करते हैं। मियां नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए भाई साहब, नानबाई इन लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास? इस तरह की वो बातें लेखिका को बताते हैं। आंखें तरेर कर क्यों कहते हैं? वो लेखिका के सामने आंखें क्यों तरेरते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव जो था वो तुनक मिजाज था, वो तुनक भरे अंदाज में बात करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें अपने खानदानी पेशे पर बहुत ज़्यादा गर्व और आत्मविश्वास था और उनकी वह आदत थी कि वह सामने वाले पर हावी होकर के बात करते थे। लेखिका का प्रश्न तो बहुत सरल था लेकिन नसीरुद्दीन को वह अजीब लगा, इसलिए उसने आंखें तरेर करके कहा कि नानबाई का काम तो नानबाई से ही सीखेंगे, क्या नगीना साज के यहाँ सीखेंगे? यानी कि जो और कोई काम करता है उससे थोड़ी सीखेंगे। नसीरुद्दीन के खानदान में रोटी बनाने का पेशा वर्षों से चला आ रहा था। उनके पिता और उनके दादा भी मशहूर नानबाई थे, इसलिए नसीरुद्दीन ने स्वाभाविक रूप से खानदानी हुनर को अपनाया। सबसे पहले उनके जो गुरु थे वो थे उनके पिता, फिर उनके पिता ने जो काम सीखा था उनके दादाजी से सीखा था, और पिता जो थे वो उनके पिता भी थे, गुरु भी थे। उन्हीं की देखरेख में उन्होंने भट्टी चलाना, आटा गूंदना और खोमचा लगाने का काम किया। धीरे धीरे वे नानबाई बन गए। नानबाई के अलावा और भी बहुत सारे खानदानी पेशे होते हैं, जैसे नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगर, रंगरेज, तेली और तंबोली। ये पुराने समय से जो काम चले आ रहे हैं उन्हें खानदानी पेशा कहा जाता है। बच्चे जो हैं अपने माता पिता से ही अपने खानदानी हुनर सीख लेते हैं। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहेब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। यानी कि वह क्या कहता है कि जो खानदानी नानबाई होता है वह कुएं में भी रोटी बना सकता है। नसीरुद्दीन के पिता और दादा शाही नानबाई थे। शाही यानी वो किसी राजा महाराजा के यहाँ पेशे से नानबाई थे, रोटियाँ बनाने वाले थे और उन्हें 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने का हुनर था। हुनर जो था उन्होंने बादशाह के सामने दिखाया और बादशाह ने उनके हाथों से बनी हुई रोटियाँ खाई थी। उनका यह मानना था